सौदा आपका में मेरे साथ है एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान. समित गुड मॉर्निंग. निफ्टी 10,554 यहाँ पर आप निफ्टी के लिए आगे क्या मूव्स देख रहे हैं टेक्निकल चार्ट्स पर, क्या करने की सलाह, निफ्टी में क्या कॉल देंगे अभी? हाय प्रियंका, देखिए लास्ट दो तीन वीक से लगातार हमने हर एक माइनर डिप पे बाइंग की सलाह दी है, बट जो नियर टर्म टारगेट्स थे अराउंड 10,550 10,600 वो ऑलमोस्ट अभी अचीव हो गया. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 10,640 के दायरे में काफी एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे हम एग्रेसिव लॉन्ग जाने की तो सलाह नहीं देंगे. अगर आपके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स है तो जो 10,495 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है वो आप स्टॉप लॉस वहां पे ट्रेल कीजिए और ऊपर की तरफ मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट बुकिंग अभी स्टार्ट करना चाहिए. तो यहाँ पे ऐसे एग्रेसिव लॉन्ग्स की सलाह नहीं होगी. स्टॉक स्पेसिफिक यस, एक दो दिनों के लिए आपको मोमेंटम ट्रेड मिल सकता है, बट ओवरऑल अगर डायरेक्शनली अगर बात करें तो 10,640 हमें नहीं लगता कि एटलीस्ट इन द नियर टर्म ये ब्रेक कर पाएगा. तो यहां से जो भी अभी रिलीफ रैली आएगी 10,640 के करीब, वहां पे आपको आपके लॉन्ग्स थोड़े बहुत लिक्विडेट करने हैं. ठीक है, 10,600-610 के आसपास आप अपने लॉन्ग्स को लिक्विडेट कीजिए. लेकिन आज समित, आज है बैंक की वीकली, बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, उससे पहले बैंक निफ्टी आपको कैसा दिख रहा है टेक्निकली? देखिए ओवरऑल अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो इसको एक 25,000-25,100 के दायरे में एक काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है. लास्ट हमने 5-6 दिनों में जो लोज देखे हैं वो 25,000 से लेकर 25,100 के लेवल्स के आसपास ही है, तो ये अभी एक क्रूशल सपोर्ट बन गया है. जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करते वापस एक अटेम्प्ट हो सकता है ऊपर की तरफ 25,400-25,500 के लेवल्स रिटेस्ट करने का. बट सिमिलर टू निफ्टी भी अगर निफ्टी 10,600-640 के दायरे में आता है तब हम 25,500-25,400 के रेंज में बैंक निफ्टी को भी आते हुए देखेंगे. वहां पे आपको लॉन्ग्स थोड़े बहुत लिक्विडेट करने हैं और अभी फिलहाल के लिए अगर कोई सपोर्ट देखना है तो 25,000-24,900 का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है. मेरे साथ समित चौहान बने हुए. समित, आज किन स्टॉक्स पर आपकी नजर है, आपकी ट्रेडिंग टिप्स? देखिए ग्लेनमार्क फार्मा एक कॉन्ट्रा कॉल रहेगा, 3-4 दिनों से स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है बट लास्ट वीक उसमें एक डिसाइसिव प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट दिखाता है, तो हमें लगता है कि जब तक उन्होंने 555 के लेवल नीचे ब्रेक नहीं होते तब तक स्टॉक में एक पॉजिटिव मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है. तो यहां पे एक लो रिस्क बाय बन रहा है, 555.7 का एक स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर की तरफ यहां से अगर मोमेंटम स्टार्ट हुआ तो 600 के पार हम टारगेट देख सकते हैं, तो इसमें बाय की सलाह होगी. और दूसरा बाय भारतीय एयरटेल जो एक अच्छे खासे सपोर्ट के आसपास ट्रेड हो रहा है, यहां से हमें अच्छी रिलीफ रैली ये स्टॉक में देख रही है, तो यहां पे भारतीय एयरटेल बाय किया जा सकता है फॉर टारगेट ऑफ 404, स्टॉप लॉस 378 का रहेगा. ओके, सो दो स्टॉक्स समित जहां पर आपको सलाह देने हैं, भारतीय एयरटेल खरीदारी की सलाह, लक्ष्य 404 और ग्लेनमार्क फार्मा भी खरीद के लिए अच्छा लग रहा है, 621 के टारगेट के लिए ग्लेनमार्क में खरीद की सलाह. थैंक यू सो मच समित, आपने रखने काला सौदा आपका के लिए. छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे, ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार में स्ट्रैटेजी लेकर आएंगी दीपाली राणा, उनके साथ जुड़ेंगे अनुज सिंघल, नितेश ठक्कर और सचिदानंद उत्तेकर.